हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द रिटेल ट्रेडर में। जैसा कि मैं आपको कुछ कुछ शेयर के आइडियाज़ देता रहता हूं, तो उसमें मैं आज आपके लिए एक नए शेयर का आइडिया लेके आया हूं, जिसका नाम है स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड। इस शेयर के अंदर जो है, अभी इस शेयर का करंट प्राइस 79.15 चल रहा है। और इस शेयर में मैं जो खास पैटर्न जो बन रहा है, जिस पैटर्न को देख करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो ये देखिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहलाती है। ये मैं यहाँ पे इसकी एक, जैसे मैं हमेशा रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। एक बार प्राइस यहाँ पे आके टकरा के लौटा, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर लौटा, फिर तीसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर लौटा, और ये जस्ट इस पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अब अगला जो डे है, यानी आने वाला कल का दिन है, तो इसके अंदर अगर ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस तोड़ के निकल जाता है, तो इसमें आपको अच्छा खासा 90 के आसपास तक का टारगेट मिल सकता है। ये टारगेट आपका कल भी आ सकता है और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर भी आ सकता है। तो मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप इसमें पोजीशन बना करके बैठ जाइए, 3-4 दिन के लिए वेट कीजिए। अगर आपके पास जो है 80,000 का बजट है, तो इसके 1,000 शेयर लेके आप बैठ जाइए, और फिर उसके बाद आप 3-4-5 दिन का वेट कीजिए। उम्मीद है कि इसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट, रफली 10,000 के आसपास तक का प्रॉफिट मिल सकता है। जो इसका टारगेट है, टारगेट के लिए भी मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये देखिए, इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो होगा 89.90 के आसपास का होगा, यहां तक का नहीं। ये यहां से 79 पे चल रहा है, इनका फर्स्ट टारगेट 90 रुपीस के आसपास का एक राउंड फिगर मान लीजिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत गिरे हैं, एसजीएस निफ्टी भी डाउन चल रहा है, तो कल मार्केट की ओपनिंग जो होगी गैप डाउन होगी, कल मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन होगी। तो इसको खरीदने से पहले एक बात जो है ध्यान में रखिएगा, कि ये जब गैप डाउन खुलेगा, तो आप इसको उस पॉइंट पे खरीदिए जब ये इस पॉइंट पे 79 के लेवल पे वापस आ जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर ये गैप डाउन खुल करके 79 के लेवल पे वापस आ जाता है, तो ये बताएगा कि इस शेयर के अंदर बुल्स अभी भी कंट्रोल में है। और जब बुल्स अभी भी कंट्रोल में है, तो और वो इस शेयर को आगे ले जाने की ताकत रखते हैं, तो आप इसको फिर 79 पे उस टाइम पे खरीदिए जब ये वापस गिर करके, गैप डाउन खुल करके फिर 79 के लेवल के आसपास तक आ जाए, और फिर आप इसमें पोजीशन बना करके बैठ सकते हैं। आप इसमें पोजीशन बना के बैठ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर या 10 दिन उम्मीद है कि इसके अंदर आपको, इसमें अगर आपने 1,000 क्वांटिटी ली है, या अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी ली है उसके रिलेटिवली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट हो सकता है। जैसे 500 क्वांटिटी ली है, तो आपको 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। 1,000 क्वांटिटी ली है, तो आपको 10,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन है। मैं एक चीज़ और ये यहाँ पर ऐड कर देना चाहूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो नहीं हूँ, ये सब कुछ जो है मैंने अपने अनुभव से सीखा हुआ है। तो आप भी जो है सीखने पे फोकस करें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च भी आप ज़रूर कर लें। फिर चलिए, आशा करता हूँ ये आपको, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक नए शेयर के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।